हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। सो आज मैं फिर से एक बार आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे इस प्रोग्राम में जिसका नाम है गुड मॉर्निंग जिंदगी, आयुष्याची एक नवी पहाट। सो दोस्तों, आज जो लेसन मैं आपको बताने वाला हूँ, आज जो लेसन मैं आपको देने वाला हूँ, वो लेसन हमें मिलता है न्यूट्रल गियर से। अगर आपने कभी गाड़ी चलाई होगी, कोई भी फोर व्हीलर या टू व्हीलर, तो उसमें एक गियर होता है, दैट इज़ कॉल्ड न्यूट्रल गियर। जब गाड़ी कुछ किसी भी गियर में काम नहीं कर रही होती तो उसी गियर को न्यूट्रल गियर कहा जाता है। जब गाड़ी रुक जाती है, जब गाड़ी साइलेंट हो जाती है, तो इस गियर का उपयोग किया जाता है, इसको कहते हैं न्यूट्रल गियर। तो अभी ये गियर हमें क्या सीख देता है, ऐसी कौन सी सीख इस गियर से हमें मिलती है, ये मैं आज आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, जब कभी ज़िंदगी में ऐसे सिचुएशंस आ जाए कि जहाँ पर आप कुछ कर नहीं सकते, आप हेल्पलेस है, आपके पास कोई चारा नहीं है, आप करना बहुत कुछ चाहते हैं मगर आप कुछ कर नहीं सकते, सो दैट टाइम ये जो न्यूट्रल गियर वाली जो सीख है वो हमें काम आ सकती है। और वो सीख ये है कि हमें कूल रहना चाहिए, हमें न्यूट्रल रहना चाहिए, चाहे ज़िंदगी में कितने भी उतार चढ़ाव क्यों ना आ जाए। जब आपको पता है कि आप कुछ कर नहीं सकते, सो दैट टाइम इट इज़ बेटर टू बी न्यूट्रल। न्यूट्रल रहिए, वो टाइम में आप जितना ज़्यादा न्यूट्रल रहेंगे उतनी ज़्यादा आपके प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व होते जाएंगे। एक मराठी में बहुत ही अच्छी कहावत है, जे प्रश्न सोडवल्या जात नसतील ते सोडून दिलेले बरे। ये बहुत अच्छी कहावत है, मैं एक बार और आपके लिए रिपीट करना चाहूँगा कि जे प्रश्न सोडवल्या जात नसतील ते सोडून दिलेले बरे। इसका मतलब ये है दोस्तों कि जो ऐसे सवाल है ज़िंदगी में जिसका आंसर आपको नहीं आ रहा है, जो आंसर आप निकाल नहीं पा रहे हो, उनको अगर आपने छोड़ दिया तो वही बेटर होगा। क्योंकि अगर आप उन सवालों के पीछे भागते रह गए तो कई सारे ऐसे सवाल छूट जाएंगे जिनका आंसर आप अच्छी तरीके से जानते हैं। तो यही हमारा आज का लेसन था जो हमें न्यूट्रल गियर से मिलता है। दोस्तों, अगर आपको ये लेसन पसंद आया है तो ज़रूर अपने दोस्तों के साथ और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। हमारे आने वाले अगले नए लेसन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, और अभी हमारे 6 लेसन और आने वाले हैं, उन सभी को देखिए। और आपको जो लेसन अच्छा लगता है हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।